नमस्कार साथियों, जय देवभूमि उत्तराखंड, और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए जर्नी वाले वीडियो में। और अभी आप देख पा रहे होंगे सुंदर इस नदी का दृश्य, सुंदर दृश्य, मनमोहक दृश्य, और धूप है गुनगुनी सी, और सामने घने जंगल और ये नीला पानी, और सामने मार्केट और वो घर। ये सीन है रामनगर का, रामनगर कोसी बैराज से ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आप सभी को ये यहाँ का नज़ारा दिखाने के लिए। और बहुत ही जल्दी मैं ये वीडियो अपने फेसबुक पेज देवभूमि ऑनलाइन और यूट्यूब चैनल देवभूमि ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, सभी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इनको अपलोड करूँगा। और वो सामने एक नवनिर्मित पुल है, जो नया पुल बन चुका है, और ये बैराज वाला पुल है जिससे छोटी गाड़ियों के लिए ही खुला गया है अभी फ़िलहाल, और भारी वाहनों के लिए सामने वो नया पुल बना दिया गया है जो कि अब सुचारू हो चुका है। और सामने कुछ छोटे बड़े बच्चे नदी में स्नान का आनंद ले रहे हैं इस कोसी नदी में। और ये कोसी नदी, ये वही नदी है जो अल्मोड़े की पहाड़ियों से निकलती है और आगे को बहते जाती है, लेकिन इसे किसी ऋषि मुनि का श्राप होने के वजह से इस नदी का संगम नहीं हो पाता है कहीं, तो ये विलुप्त हो जाती है धरती के अंदर। इसका पानी लोग सिंचाई के लिए और पीने के लिए अलग अलग जगह इसका पानी पूरी रूप से बढ़ जाता है, आगे जाके कुछ किलोमीटर के बाद ये विलुप्त हो जाती है। तो ये कोसी नदी का जो है इतिहास है, और कहते हैं रामगंगा और कोसी दोनों बहनें थी, तो इन्होंने कहीं पर ही जब इनका संगम हुआ था तो वहाँ भारी तांडव मचा दिया था, तो इसी वजह से इन्हें वहाँ की जो आबादी है वो परेशान हो चुकी थी। उन्होंने एक तपस्या कर रहे एक ऋषि मुनि की शरण में गए, तो उन्होंने ही इनको श्राप दिया था, ऐसी कथा है कोसी और रामगंगा जो ये नदियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी, अल्मोड़े की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है। जो आप खैरना गर्म पानी पर देखते हैं वो भी यही कोसी नदी है। और आगे से एक रास्ता जो है राइट को टर्न होके ऊपर की तरफ जाता है तो वो सीतावनी की ओर जाता है, वहाँ आगे जंगलों के बीच में सीतावनी है। तो मुझे अभी टाइम नहीं है, मैं आपको पूरा यहाँ दिखा नहीं पाऊँगा सीतावनी वगैरह, तो मुझे निकलना है हल्द्वानी को। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार मैं आपको अच्छे से अच्छे यहाँ के दर्शनीय स्थल, देवालय वगैरह दिखाते रहूँ। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, या किसी अपने अगले जर्नी की कोई वीडियो होगी। तो फिलहाल समय के अभाव के कारण कहीं निकलना नहीं हो पा रहा है, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय देवभूमि उत्तराखंड, और लगातार ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार और आशीर्वाद देवभूमि ऑनलाइन को देते रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।